हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी चकरी की रेसिपी। इसे आप सुबह या शाम की चाय के साथ खा सकते हो, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कुरकुरी बनती है। ये चकरी मैंने रोस्टेड बनाई है। हाँ जी फ्रेंड, ये बिना तेल मैंने उसको ओवन में बनाया है। तो चलिए आज सीखेंगे दो तरह से ये चकली, एक रोस्टेड चकली और एक डीप फ्राई की हुई। यहाँ पर हम लोग चावल के आटे से ये चकली बनाने वाले हैं, तो मैंने ये 3 मेजरिंग कप भर के ये आटा लिया है। उसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जितनी तीखी मिर्ची की पेस्ट। आप चाहे तो लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हो और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मेरी मिर्ची की पेस्ट में भी नमक है, इसलिए मैं नमक थोड़ा कम डाल रही हूँ। और 2 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल ऐड करने हैं। सफ़ेद तिल चकरे में बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम बटर। आप किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसको ग्राम से मेजर करना चाहें तो चावल का आटा मैंने आधा किलो लिया है और पूरा उसमें 100 ग्राम का बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने से ये चकरी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो आटे का जो बाइंडिंग टेक्सचर है वो ऐसा आना चाहिए, मुट्ठी बंद करने से वो बाइंड होना चाहिए प्रॉपर, तभी हमारी जो चकरी है वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। अब उसमें ऐड करूँगी मैं 1/2 कप जितना खट्टा दही। अगर दही खट्टा नहीं तो आप 1 कप जितना ऐड करें। वापस उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा तैयार करेंगे। आटा यहाँ पे हमें बहुत ही सॉफ्ट तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और उसका एकदम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट आटा बना है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। ये चकली बनाने का मशीन है सांचा, उसमें चकली की जो एक प्लेट आती है वो ऐड करें, उसको अच्छे से फिट कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको जवार के आटे की चकली सीखनी है तो उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी। अब सांचे के अंदर अच्छे से ऑयल लगा लें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और टिप देना चाहूँगी कि जो हमने आटा तैयार किया है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो चकरी बनाने के समय पे वो टूट जाएगी। अब तेल लगाए हुए सांचे में हम लोग आटा अच्छे से भर लेंगे और उसको ऊपर से बंद कर देंगे। जब तक हम लोग चकरी बनाते हैं, मैंने ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। 10 मिनट हम लोग प्रीहीट कर लेंगे और साइड पर हम लोग चकरी बना लेंगे। सांचे को गोल घुमाते हुए आप छोटी या बड़ी चकरी बना लें। पर मैं 3 सर्कल में ये चकरी बना रही हूँ, तो मीडियम साइज की ये चकरी तैयार है। वैसे ही पहले सारी चकरी तैयार करनी है और उसको ऐसे स्पेचुला से एक एक करके हम लोग बेकिंग ट्रे में ऐड करेंगे। बेकिंग ट्रे पे मैंने वही साइज का बटर पेपर लगा लिया है ताकि चकरी जो है चिपके नहीं। और अब उसके ऊपर एक एक करके हम सारी चकरी को सेट करेंगे और उसे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, चकरी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, ऊपर से उसका अच्छे से ब्राउन कलर भी आ चुका है। आप चाहे तो उसको और डार्क भी कर सकते हो या उसको ग्रीस करके भी आप बेक कर सकते हो। मैंने बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए, जिसके पास ओवन नहीं है वो डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। डीप फ्राई करके भी हम लोग आज देख लेंगे कैसे बनती है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एकदम तेज आंच पे हमें ये चकली नहीं डीप फ्राई करनी है। चकली को हल्के हाथ से ऐसे एक एक करके तेल में ऐड करते जाइए। गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम स्लो पे रखें। 4 से 5 चकली को एक साथ में हम लोग ऐड करेंगे और उसको हल्के हाथ से ऐसे डीप फ्राई करेंगे। चकरी को दोनों साइड पलटते हुए जब तक कि वो गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए तब तक उसको डीप फ्राई करना है। ध्यान रखें गैस की फ्लेम जो है हमें स्लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है,
अब देख सकते हो चकली का कलर जो अच्छे से ब्राउन आ चुका है, तो चकली अब तैयार है। तो उसको हम लोग टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए दूसरे बैच को भी वैसे ही हम लोग फ्राई करेंगे। फ्रेंड, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में भी आप बिना डीप फ्राई किए अच्छे से चकरी को रोस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बनती है एयर फ्रायर में चकरी। और चकरी में मैंने बटर का मोइन दिया है। बटर का मोइन देने से चकरी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चकरी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च की पेस्ट डाली है। आप चाहे तो उसमें सूखे मसाले भी ऐड कर सकते हो, लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चकरी का दूसरा बैच भी तैयार है। चकली ठंडे होने के बाद उसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें ताकि वो 15 दिन तक ख़राब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार है रोस्टेड चकरी और डीप फ्राई चकरी, दोनों चकरी रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी ऐसी नई नई रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और सारी रेसिपी गुजराती में सीखना चाहते हैं तो मेरी ममास किचन गुजराती को सब्सक्राइब जरूर करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममास किचन।